मतलब झूठ। गट्टू काका को हमारे पास लाने के लिए सब जायज है। चैताली तेरी आइडिया सॉलिड है ना? तो ठीक है, गुलेल का डिब्बा गुल करने के लिए तैयार हो जाओ। बेबी बेबी रुक जा, पकड़ के दिखाइए मुझे बा। देख रुक जा, अपने मन से रुक जा, वरना कहीं मैंने पकड़ लिया ना तो बहुत मारूंगी। अच्छा चिढ़ाती है, रुक बेबी। नहीं बाप, आपने चीटिंग की। आपको मेरे स्पीच आके मुझे पकड़ना चाहिए था ना। बेबी छुट्टे लेने के बहाने 1000 रुपए लेके तू भागी और कहती कि मैंने चीटिंग की। चल पैसे दे, पैसे दे। बा, 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 बा। बा, मुझे भी भाभियों के साथ विले पाले लेडीज क्लब का मेंबर बनना है। हाँ हाँ, उसके लिए तू भाइयों को उल्लू बनाकर 4000 के बदले 4500 ऑलरेडी ले चुकी है, ऊपर से 1000 रुपए मुझसे। चल अपनी मर्जी से पैसे दे दे, वरना वो 4500 भी मैं ले लूंगी। बा, आप मुझे 1000 रुपए भी नहीं दे सकती? बेबी ये घर खर्च के पैसे हैं, तेरी भाभियों को नहीं दिए, तुझे कैसे दूं? बा पार्शियलिटी करके दीजिए ना, देखती हूँ किसमें दम है चू करने की। सबने तुझे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए ये तेरे मुंह से पार्शियलिटी की बात निकली। इस घर में बहू और बेबी के लिए अलग अलग कानून नहीं है, समझी? बा मुझे कपड़े खरीदने हैं, प्लीज बा। बेबी तेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, पैसे दे दे। बा, नहीं। अच्छा ये पैसे दे दे बेटा, ये पैसे दे दे, मैं तुझे अपनी बचत में से 1000 रुपए दूंगी। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बोला? साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, मुझे तो पैसों से ही मतलब है बस। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु जब हर कोई कमा कर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। झूम उठा मोरा दिल बे। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वो भी प्रवीण की तरह बोलने लगी है, पूरे घर में उसका असर महामारी की तरह फैल रहा है। चल अब पैसे दे। दे दीजिए ना बेबी फाई, दादी माँ को ये पैसे शायद गुलेल को देने होंगे। जब से गुलेल आया है तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दादी माँ हम प्रॉब्लम बताने नहीं, बेबी फाई को हेल्प करने आए। बेबी फाई डोंट वरी, हम आपको पैसे देंगे अपने पॉकेट मनी के सेविंग से। लाला सुखीराम के बच्चे भी धर्म का काम करने निकले। वो तो हम हमेशा करते हैं। हाँ लेकिन इस बार हमारा भी थोड़ा फायदा है। बेबी फाई आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बा ये पैसे लीजिए। सादे बा। तो क्या काम है बोलो। बताती हूँ बैठिए ना, बैठिए। आपको रानी मुखर्जी की आवाज में गट्टू काका से फोन पर बात करनी होगी, और बस इतना ही कहना होगा कि चीटिंग। तुम दोनों चाहते हो कि मैं झूठ बोलूँ? हाँ एक मिनट बेबी, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, पर आपको पता है आजकल गट्टू काका ने हमारे साथ खेलना भी बंद कर दिया। शायद इसमें हमारा ही कोई कसूर होगा, लेकिन अब हम गट्टू काका से बट्टी करना चाहते हैं और गुलेल को भी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। प्लीज बेबी फाई, गट्टू काका के बगैर हमारा मन नहीं लगता। जान मैं तुम्हारा ये काम करूंगी, वो भी फ्री में। ओके थैंक यू सो मच बेबी फाई। थैंक यू, वेलकम। लेकिन हम आपको कुछ ना कुछ देंगे जरूर, इन्हें है ना मेहुल? ऑफ कोर्स। आपको सॉफ्टवेयर अच्छे लगते हैं ना? हाँ। तो मेहुल
आज फनफेयर में तूने जो डॉगी जीता था ना, वो बेबी फाई को दे देना। वाओ। अब रानी मुखर्जी की आवाज में गट्टू काका के साथ बात कर सकेगी ना? लेकिन इसमें इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं अभी जाके गट्टू को डांटती हूँ, देखती हूँ वो तुम लोगों के साथ कैसे नहीं खेलता है। गट्टू! नहीं बेबी फाई, डांटने से वो अपने मन से हमारे साथ नहीं आएंगे ना। प्लीज रानी मुखर्जी की आवाज में उनसे बात कीजिए ना। सोचिए तो सही कि वो कितने खुश होंगे। हाँ हाँ, और आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा। ओके।